तो आज हम 11th क्लास के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर 1, फर्स्ट यूनिट था, उसका क्या नाम था? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, कि क्या वैरायटीज और क्या वेरिएशंस हैं इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, कैसी टर्म्स पढ़ी थी इसमें हमने पढ़ी थी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और इसके अलावा हमने पढ़ी थी टैक्सोनॉमिक वेट्स, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या था, लोगों ने पढ़ा था कि दो कमेटीज हैं या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ICBN, ICZN, ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाती हैं और लेबलिंग करती हैं किसकी, कोई भी नई वैरायटी जो फाउंड होती है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग करना, किसी भी नई स्पीशीज को, नई ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करने को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। फिर हमने पढ़ा था एक टर्म होती है, दैट इज बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर क्या होता है कि प्लांट से रिलेटेड, बोटेनिकल मतलब प्लांट से रिलेटेड, बॉटनी, प्लांट से रिलेटेड जितने भी नई स्पीशीज हैं, वैरायटीज हैं, उनका नेमिंग किसके अकॉर्डिंग की जाती है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग की जाती है। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को क्या बोलते हैं, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, बायनोमियल मतलब टू नेम्स, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कुछ रूल्स होते हैं, कौन से रूल होते हैं कि दो नेम होने चाहिए, लैटिन में होना चाहिए, पहला रूल क्या था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, कि दो नेम होंगे हर एक नई स्पीशीज के, यहाँ पे हर एक स्पीशीज के क्या होंगे, दो नेम होंगे। दूसरा रूल क्या था, वो लैटिन में होंगे, ठीक है। अगर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं उन वर्ड्स को, उस नेम को प्रिंट कर रहे हैं, तो किस में प्रिंट करेंगे, हम इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, हैंड राइट कर रहे हैं, अगर हम किसी भी स्पीशीज के नेम को, किसी ऑर्गेनिज्म के नेम को प्रिंट कर रहे हैं, तो उसे इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, और अगर हम उसे हैंड रिट कर रहे हैं, हैंड राइट कर रहे हैं, तो हमेशा उन दोनों नाम को क्या किया जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, जैसे कि होमो सेपियंस। होमो सेपियंस क्या है, ह्यूमन का बायनोमियल नेम है, दो नेम्स होते हैं इसके अंदर, होमो किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, होमो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और सेपियंस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को, या फिर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज स्पेसिफिक हैबिटेट, ठीक है। तीन पॉइंट बता दिए मैंने आपको, पहला पॉइंट क्या था, दो नाम होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर जो उनके नेम होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं, किसी भी एरिया में कोई स्पीशीज मिली है, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा कि अगर इंडिया में स्पीशीज है तो उसका नाम हमारी रीजनल लैंग्वेज में होगा, ऐसा नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से सारी स्पीशीज को जाना जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, और वो सबके नाम लैटिन में होते हैं, ठीक है। और जब उन वर्ड को, उन नाम को प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखेंगे, राइट कर रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करके राइट करेंगे। जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा उसकी स्पीशीज, यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट को, और जो जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, और स्पीशीज का क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है,
ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज को डिवाइड करना अलग अलग कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, टेरिटरियल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है. क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज. अगर हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स की जगह पे ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्लासिफिकेशन एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के नाम की जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज और डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर्स. देखो क्या है डेफिनेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की. It is the process in which organisms are divided into different categories or divisions on the basis of their characters. इसके जो classification है इसके अंदर क्या किया जाता है, organisms को. ठीक है, अब organisms living organisms चाहे वो plant है चाहे वो animal है, living organisms को अलग अलग categories में या फिर उन categories को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं divisions में divide किया जाता है. किसके बेसिस पे? उनके करैक्टर्स के बेसिस पे. ठीक है, अब करैक्टर्स क्या होते हैं, लक्षण. ठीक है, किस टाइप के करैक्टर्स के बेसिस पे डिवीजन होता होगा इसके अंदर? बहुत सारे करैक्टर्स हैं जैसे कि थैलस स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो कौन कौन से करेक्टर्स हो सकते हैं. पहला है थैलस स्ट्रक्चर, कि कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा वो एनिमल या प्लांट दिखता है, कैसी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या फिर हायर लेवल है. ठीक है, फिर है हैबिटेट. हैबिटेट मतलब किस टाइप का एरिया में वो रहता है, कैसी कंडीशंस में सर्वाइव करता है, कैसा टेम्परेचर, पीएच कंडीशंस, कैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कौन कौन सी उसकी क्या होती है रीजन्स होते हैं. रीजन्स मतलब मार्शी एरिया में रहता है, दलदली एरिया में रहता है या फिर एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, कैसा है. ठीक है, फिर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब किस टाइप की रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है क्या होती है, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिपेरेंटल बोलते हैं. अगर सेक्सुअल है, देखो अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स के क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10 ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको समझा रही हूँ, हमने क्या कर दिया, डिवाइड करा उसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कि सेक्सुअल कौन से करते हैं और असेक्सुअल कौन से करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल तीन थे असेक्सुअल वाले, सेवन थे सेक्सुअल वाले। असेक्सुअल कौन से हो गए? यूनिपेरेंटल, ठीक है। फिर सेक्सुअल भी दो टाइप की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल के अंदर भी दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, इन सात जो बाकी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज थी इन्हें हम किसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल मतलब वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी में होती है, और एक्सटर्नल मतलब जो फीमेल की बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें मेनली हम पढ़ने के बारे में, देखो हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, कनेक्ट करो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बारे में, डेफिनेशन पढ़ी क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बायनोमियल क्लासिफिकेशन का मेथड है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन वे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिफाई करने का तरीका क्या है। तो इसमें क्या था, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन दिए, क्योंकि इतनी सारी वेरिएशन है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको किस तरीके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मोस्टली जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आर एच विटकर की क्लासिफिकेशन, आर एच विटकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, आर एच विटकर की पांच किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विटकर ने 1969 में एक क्लासिफिकेशन दी थी, जिसके अंदर उसने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पांच कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो कौन सी पांच कैटेगरीज थी, देखो पहली थी मोनेरा, दूसरी थी प्रोटिस्टा, ठीक है, तीसरी फंजाई, चौथी लार्वे, और पांचवी थी एनिमल। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को, इतने सारे जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में, हम उसको किस तरीके से कैटेगराइज करें। तो मोस्ट एक्सेप्टेड जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको मेनली फोकस है, वो है 1969 में जो आर एच विटकर ने क्लासिफिकेशन दी थी। कौन सी क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें उसने क्या किया, पांच कैटेगरीज में पूरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिवाइड कर दिया। पहली क्या थी, मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा, तीसरी फंजाई, चौथी प्लांटे, और फिफ्थ थी जो एनिमेलिया, ठीक है। अब इन पांचों जो किंगडम्स हैं इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन वे से पढ़ेंगे।